जय श्री राम। हम पवित्र सरयू घाट में पहुंच चुके हैं। यही पवित्र घाट है, पवित्र नदी है, जहां पर अयोध्यावासी स्नान किया करते हैं और भक्त लोग स्नान किया करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए सरयू घाट, सरयू नदी है, माता सरयू नदी है, पवित्र सरयू नदी, जहां पर सभी लोग यहां पर पुण्य स्नान करते हैं। उसके बाद आगे श्री राम जी का दर्शन करते हैं, दर्शन पाते हैं। ये देखिए काफी भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, सुबह सुबह का समय है, काफी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं स्नान करने के लिए। सरयू नदी की कथा बहुत ही निराली है, यहाँ नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है कहते हैं। भगवान के समय से त्रेता युग से सरयू नदी है, सतयुग से सरयू नदी है। ए हम बाबा जी से पूछेंगे सरयू नदी के बारे में। बाबा जी आपको पहले जय श्री राम। जय श्री राम। ये सरयू नदी के बारे में बताइए बाबा जी, स्नान करने जन्मम कृतं पापम दर्शन मात्रम विनशति। सरयू जी का दर्शन करने से कोड़ जन्म का पाप होता है जी। भगवान विष्णु के नेत्र से आए हैं जी जी, वो महाराज गुरु वशिष्ठ लाए हैं। अच्छा, इसी से गुरु वशिष्ठ की पुत्री कहती है। अच्छा, ये सरयू जी बपुआड़ी है। अच्छा, और ये अयोध्या परम धाम को दो बार गया भगवान हरिचंद के समय में, फिर श्री राम जी के समय में। अच्छा अच्छा, प्रजा सहित मणि गये सुरासर। जब परम धाम को दया गया तो अयोध्या को द्वारा बसाया गया। अच्छा, अयोध्या को महाराजा विक्रमादित्य ने बसाया है। अच्छा, इसी से भगवान के समय की ये सरयू जी है जी। भगवान का नाम है और ये गौ का है जी। हाँ, स्नान के बाद इधर भी गौ का पूजन होता। अच्छा, सरयू जी कुआरी गौ भी कुआरी। अच्छा, गौ पूजा करने से पितरों की मुक्ति है। जय हो जय। हाँ, बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बाबा जी, यहाँ नहाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पापों का, अयोध्या माया मथुरा काशी कांची द्वारा भी सब पैसे जी जी, सब तीनों का मुक्ति दे दी। सतपुरियों में से एक है बाबा जी। हाँ, यहाँ चरण रखने से, पैर कदम रखने से और यहाँ स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। आपका नाम बाबा जी? गणेश प्रसाद पांडे। गणेश प्रसाद पांडे, आप अवध के निवासी हैं? अरे आपको जय श्री राम बाबा जी। गणेश प्रसाद तिवारी जी से आपका बात कराया, आपको दिखाया कि अवध का और सरयू नदी का क्या महत्व है। ये देखिए पवित्र नदी है, यहाँ पर यहाँ स्नान करने से बड़ा फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन अवधपुरी से अयोध्या से, बोलिए जय श्री राम। ये देखिए पवित्र सरयू नदी जी जी जी, राम, ये राम घाट। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं महाराज। जय श्री राम बाबा जी। यहाँ का कथा बताइए बाबा जी, सरयू नदी का क्या कथा है, क्या कहानी है? अरे जय श्री राम। जय श्री राम। ये कौन सा घाट है महाराज जी? ये सरयू नदी राम घाट। अच्छा, राम घाट है जी जी। घाट पुराना, इसके बारे में कथा बताइए महाराज जी। सरयू नदी में नहाने का क्या पुण्य स्नान है? देखिए भगवान के जमाने का कुछ भी नहीं था। अच्छा जी जी, ये भगवान के जमाने का सरयू नदी जो आज भी बह रही है। अच्छा, ये विष्णु जी के बाएं नेत्र से निकली हुई है। बाएं नेत्र से? हाँ, बाएं नेत्र से निकली। अच्छा, इसलिए पहला इनका नाम है नेत्रजा। अच्छा, फिर वाशिष्ठी। हाँ, फिर सरयू नदी राम घाट बोलते हैं। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका गए थे, रावण को मार के आए थे, तो इसी नदी में सीता माता साहब के स्नान किए। अच्छा, और स्नान करने के बाद यहाँ छुट्टी गाय माता का अच्छा पूजा होता है। अच्छा, जैसे लोग गया में जाते हैं पिंड दान करते हैं जी जी, काशी में उत्तरा जी, इलाहाबाद में दीप का जी, ऐसे अयोध्या हमारा और लोग। अच्छा, रामायण में लिखा है गंगा बड़ी गोदावरी। हाँ, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिया होता है, यहाँ गौ माता का छुट्टी होता है। जिससे मन में श्रद्धा प्रेम को दान करता है ना, कोई बात नहीं, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बंधन नहीं, जो आपका श्रद्धा है वो। ये सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम जी, जी उसको मेन माना जाता है। मेन माना जाता है, सब तीर्थ का दर्शन करके आएंगे। हाँ, अगर आप अयोध्या में सोचते नहीं किए तो आपका तीर्थ सफल नहीं होगा। अच्छा, सफल नहीं होगा। यहाँ स्नान करने से उस धरती में कदम रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, होती होगी।
सारे पाप नष्ट होता है, हो जाते हैं अंदर का मन का हाँ मैल नष्ट हो जाता है। ये देखिए ये सरयू नदी है, ये राम घाट है, यहाँ पर ये ब्रिज है, काफी बड़ा ब्रिज है, काफी लंबा नदी है, काफी पुराना ब्रिज है। महाराज जी क्या नाम लिखते हैं आप? महाराज कल्लू पांडे। महाराज कल्लू पांडे जी आप यहीं के निवासी हैं, आपको जय श्री राम, क्योंकि आप अवध के निवासी हैं। ये मेरा मित्र पुष्पेंद्र, जय श्री राम। हम लोग यहाँ पर कवर करने आए हैं, ये देखिए, क्योंकि स्नान को करना है, अभी स्नान नहीं किए हैं। हमने कथा सुनाया आपको अयोध्या का और इस पवित्र पवित्र सरयू नदी का। ये देखिए पावन पवित्र सरयू नदी जो भगवान विष्णु के बाएं नेत्र से निकला है, यहाँ नहाने से और धरती में कदम रखने से कहते हैं कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट दोष नष्ट हो जाते हैं। मैं विजय कुमार साहू और पुष्पेंद्र कुमार चंद्रवंशी कैमरा पर्सन अयोध्या से, जय श्री राम। पवित्र सरयू जी में स्नान, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। हाँ पवित्र सरयू नदी में मेरा मित्र पुष्पेंद्र कुमार चंद्रवंशी स्नान करते हुए हाथ जोड़कर अंजलि, पानी को अंजलि देते हुए सूर्य को, ये देखिए, कहते हैं कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, अक्षर पुण्य की प्राप्ति होती है। पवित्र सरयू नदी बोलो श्री रामचंद्र की जय। दीपक यहाँ पर फूल दीपक ऐसे छोड़ा जाता है, ये श्रद्धा का प्रतीक है।